हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन में आज हम लोग चॉकलेट फीस्टर नाम की एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है। लेट्स रीड आउट दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम सेज दैट वेलकम टू द एक्साइटिंग क्लास ऑफ प्रोफेसर मानसा। इन ईच लेक्चर शी यूज टू प्ले सम गेम वाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। टुडेज टॉपिक इज सेट थियोरी। फॉर टुडेज गेम शी हैड गिवेन अ सेट ए इज इक्वल्स टू ए वन अप टू ए एन of n integers to her students and ask them to play the game as follows. At each step of the game, she calls a random student and asks him or her to select a non-empty subset from set A such that this subset had not been selected earlier and the sum of the subset should be even. So what I could understand till now ki hamare paas ek set hai और इस सेट में कुछ नंबर्स हैं और इसका सबसेट हमें बनाना है और उन सबसेट्स का जो सम होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। दिस गेम एंड्स व्हेन ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैज बीन सेलेक्टेड। मानसा नीड्स योर हेल्प इन काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स कैन बी कॉल्ड अज्यूमिंग ईच स्टूडेंट गिव्स द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर एक स्टूडेंट राइट आंसर देता है और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है जब भी आएगा तो राइट आंसर देगा और सही सेलेक्ट करेगा या सही इवन सेट सेलेक्ट करेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से अगर समझें कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 4। अगर इसमें तीन एलिमेंट्स हैं तो सेट थ्योरी ये कहता है कि पावर सेट्स जो होते हैं वो 2 raised to the power 3 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 1, 2, 4 नंबर्स हैं इन 1, 2, 4 नंबर से जो सेट्स जनरेट होंगे, एक होगा 5, एक होगा ओनली 1, एक होगा 2, एक होगा ओनली 4 एंड देन दो के कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं सो 1, 2, 1, 4 एंड देन 2, 4 एंड फाइनली तीनों एलिमेंट्स को अगर हम इंक्लूड करें सो 1, 2, 4 होंगे। इन सेट्स में से कुछ सेट्स हमारे काम के नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम इनमें से कुछ सेट्स निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 हमारे काम का नहीं है, 1 हमारे काम का नहीं है क्योंकि 1 ऑड नंबर का ऑड नंबर होगा इसका सम, 1, 2 हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका सम 3 होगा, 1, 4 हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसका जो सम होगा वो 5 होगा और 1, 2, 4 भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसका जो सम है वो 7 है। बाकी जो सेट्स हमारे बचे हैं इन सबके जो सम्स हैं वो इवन है, तो 2, 4 या 2, 4 जो सेट है वही हमारे काम का है। तो जो काउंट हमें रिटर्न करना होगा इस केस में या इस प्रॉब्लम के कोरिस्पॉन्डिंग दैट विल बी 3। इसको हम कैसे समझ सकते हैं मैथमेटिकली? इसको मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ जो सेट्स यहाँ से जनरेट होंगे वो 2 raised to the power 3 - 1 होंगे क्योंकि 5 मेरे काम का नहीं है, तो टोटल 7 सेट्स ही हमारे ऐसे सेट्स हैं जो जिनके साथ हम वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेट्स गिवन है उनमें से 4 सेट्स हमारे काम के नहीं है क्योंकि 4 का जो सम है वो ऑड है। फॉर एग्जांपल सेट 1, फिर सेट 1, 2, देन सेट 1, 4 एंड सेट 1, 2, 4, ये हमारे काम के नहीं है, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। सो टोटल 8 - 1 - 4 3 सेट्स हैं जो मेरे काम के हैं। Having seen this example, अब हम इसको थोड़ा एक और तरीके से समझते हैं मैथमेटिकली, जिसको जनरलाइज भी करने की कोशिश करेंगे। जनरलाइज करने के लिए मान लीजिए कि आपके पास let's make out a free space where we can write. Yes, here will be the free space. So मान लीजिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो सेट्स हैं सो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो n है और इस n एलिमेंट्स में से e एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इवन है और o एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑड है। So n will be equals to n will be equals to e plus o. Total number of जो हमारे sets generate हो सकते हैं n element से, those will be 2 raised to the power n. इसको power set का जो concept हमारा discrete mathematics का उससे हम यहाँ से निकाल रहे हैं और इसमें से एक set जो 5 है वो हमारे काम का नहीं है। तो जो total number of sets हमारे हैं वो इतने होंगे। अब इसमें से जो odd sets हमारे होंगे उन ऑड सेट्स को अगर अभी हमने ध्यान से देख एक बार समझें या एक एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए कि हमारे पास तीन
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तीन हैं जो कि ऑड हैं। सो लेट्स से 1, 3 और 5 हमारे सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑड हैं, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इवन इवन नंबर्स हैं। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, लेकिन तीन नंबर्स ऐसे हैं हमारे सेट में जो कि ऑड हैं। इन तीन नंबर से बनने वाले जो सेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक वन होगा ओनली, एक टू होगा, मैं ब्रेसेस नहीं लगा रहा हूँ, आई होप कि आप ये अज्यूम कर लेंगे कि ये सेट ही है। एक होगा 1 2 सॉरी 5 इंडिविजुअली, देन इसके बाद दो दो एलिमेंट का अगर हम पेयर बनाए तो 1 3, एंड देन इसके बाद 1 5, एंड देन इसके बाद 3 5। इसके अलावा अगर हम तीनों नंबर्स को इंक्लूड कर लें सो 1 3 5 होगा। अब ये जो ऑड नंबर के हम पेयर्स बना रहे हैं इसमें से आप अगर आप इंडिविजुअली ध्यान दें तो ये जो 1 3 है वो हमारे काम का है, क्योंकि ऑड और ऑड को जो आप सम करेंगे तो ये इवन हो जाएगा, फिर ये भी हमारे काम का है, इन दोनों को आप जब सम करेंगे तो ये भी इवन हो जाएगा, फिर आप इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये भी इवन हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो है वो हमारे काम के नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 8 सेट बने होंगे और टोटल 8 में से 4 हमारे काम का नहीं है और बाकी 3 हमारे काम के हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे काम के नहीं है वो उनकी संख्या जो है, अगर टोटल नंबर ऑफ ओ एलिमेंट्स ऑड हैं तो 2 रेस्ट टू द पावर ओ टोटल सेट जनरेट होंगे, और 2 रेस्ट टू द पावर ओ में से आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए क्योंकि ये 4 हैं, 8 में से आप जब 4 पिक करना चाहेंगे तो इसको आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सो दिस विल बी 2 रेस्ट टू द पावर ओ माइनस 1। ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसे सेट्स हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। नाउ जो हमारे एलिमेंट्स हमारे काम के नहीं हैं उसको आप टोटल नंबर में से अगर माइनस कर दें, टोटल नंबर ऑफ सेट में से आप माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम एक बार फिर से देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास एन थे जिसमें से ई इवन एलिमेंट्स थे और ओ ऑड एलिमेंट्स थे, तो हमारे पास जो टोटल सेट्स जनरेट हुए दोज आर 2 रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1। और इसमें से मान लेते हैं कि जो ई इवन नंबर से जो सेट्स जनरेट होंगे दोज आर 2 रेस्ट टू द पावर ई। तो अगर हम एक बड़ा सा सेट माने कि ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 रेस्ट टू द पावर एन एलिमेंट्स या 2 रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1 एलिमेंट्स जिसमें सारे के सारे सेट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसमें से हमें एक्सक्लूड कौन सा सेट करना है? पहले तो हमें इसमें से वो सेट एक्सक्लूड करना है जो केवल ऑड नंबर से बनता हो। तो केवल ऑड नंबर से बनने वाले जो सेट्स हैं उनकी जो संख्या होगी वो 2 रेस्टू द पावर ओ माइनस 1 होगी, अभी भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा जब ये जो 2 रेस्टू द पावर ओ माइनस 1 एलिमेंट्स हैं जब ये मैचअप करेंगे या जब इन यही एलिमेंट्स जब इवन नंबर के सेट में जब इंक्लूड होने लगेंगे तो भी हमारा ये ऑड नंबर जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें कि 2 इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर का जो सम होगा वो भी इवन होगा, लेकिन अगर हम इसमें एक ऑड नंबर ऐड कर दें तो इसका ये जो इसके इंक्लूजन से, इस ऑड नंबर के इंक्लूजन से हमारा जो सेट है वो ऑड सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अभी हम लोगों ने एक्सक्लूड किया था जिन एग्जांपल से 1 2 5 या 1 3 5, जब इनका इंक्लूजन इवन नंबर के सेट में हो जाएगा या इवन सम वाले सेट्स में हो जाएगा तो वो उनको भी ऑड बना देगा। तो अगर 2 रेस्टू द पावर ई इवन एलिमेंट्स हैं, इवन एलिमेंट्स वाले सेट्स हैं या इवन सम वाले सेट्स हैं, तो अगर आप इसमें से 2 रेस्टू द पावर ओ माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे वो सेट्स हो जाएंगे जिनका ऑड सम आएगा। अभी भी हम लोगों ने ये देखा कि 2 रेस्टू द पावर ओ माइनस 1 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें केवल ऑड एलिमेंट्स हैं या केवल ऑड सेट, ऑड सम एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 5 और 1 3 5। जब हम इवन नंबर वाले एलिमेंट से या इवन काउंटिंग से जब सेट्स को जनरेट करेंगे तो एक 5 ही जनरेट होगा। ओके, सो जो 5 जनरेट हो रहा है उसको हमें एक्सक्लूड कर देना चाहिए, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रेस्टू द पावर ओ माइनस 1 ऑड नंबर वाले एलिमेंट्स के सेट से तो वो इनमें से एलिमेंट्स कैसे होंगे? अगर इसी एग्जांपल को हम देखें तो 1 होगा, दिस विल बी 3, एंड देन देयर विल बी 5, एंड देन विल बी 1 3 5, ये भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। तो अगर 5 में हम इसको मल्टीप्लाई करते चले तो इसका मतलब है कि पहले सेट, एक सेट में 5 है और 5 के साथ 1 1 आ गया, 5 के साथ 3 आ गया, 5 के साथ 5, 5 के साथ 1 3 5, तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे पार्ट में
फाइव के साथ ये इंडिविजुअल और जो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वाला ऑड सम वाला एलिमेंट है वो इंक्लूड हो जा रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा या 2^(O-1) पार्ट इंक्लूड हो जा रहा है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 2^(N-1) हुए, या टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स। इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 2^(E) मल्टीप्लाइड विथ 2^(O-1)। तो हम माइनस कर दीजिए 2^(E) और मल्टीप्लाइड विथ 2^(O-1)। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर इसको हम करें तो एन मीन्स इवन प्लस ऑड। सो आपने 2^(N) को 2^(E+O) लिख दिया, इसमें से माइनस कर दीजिए 2^(E+O-1)। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी जो है वो पावर को ऐड कर देगा, एंड देन -1। ये जो 2^(E+O) है इसको हम लिख सकते हैं 2^(E+O+1)-1, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वन आपने ऐड कर दिया और वन सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर E+O-1 एंड देन -1। 2^(E+O-1) आप कॉमन ले लीजिए, सो दिस कम्स आउट टू 2-1, और बाहर -1 है। 2-1 को आप 1 लिखेंगे तो हमारा एक फार्मूला बन गया कि 2^(E+O-1) एंड बाहर भी एक -1। ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम एक बार फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस विल बी 2^(E)/(2^1) विथ 2^(O-1) एंड -1, एंड दिस हैज बिकम आवर फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल प्रोड्यूस द इवन सम। सो ये इस फार्मूला के साथ हम वर्क करने जा रहे हैं और हम कोड करके देखते हैं। कोडिंग के समय इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक हमें और ध्यान रखना है, कुछ लाइनें हम पढ़ लेते हैं डू दैट विल हेल्प अस इन राइटिंग द कोड फर्दर। सो व्हाइल इट इज गिवन दैट इफ टू नंबर्स आर सेम इन द गिवन सेट दे हैव डिफरेंट कलर्स, इट मीन्स दैट अगर दो नंबर सेम है तो उनको डिफरेंट माना जा रहा है। डिफरेंट कलर का मतलब उनको डिफरेंट ही माना जा रहा है। इट मीन्स दैट इफ A1 इज इक्वल टू A2 देन चूजिंग A1 एंड चूजिंग A2 विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट सेट। सो इसको तो हम ऑलरेडी इंक्लूड करके चल ही रहे थे। साथ ही साथ कंस्ट्रेंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं, और कंस्ट्रेंट ये कह रहा है कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन और इक्वल टू 10^5। इसका मतलब क्या है कि जो हमें पावर सेट्स बनाने हैं उस पावर सेट को बनाने में या पावर सेट के साथ कंप्यूटेशंस करने में हम n log n टाइम से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 10^8 या उससे पहले आउटपुट जनरेट करना है। आउटपुट फॉर्मेट को एक बार चेक करते हैं। ये कह रहा है कि प्रिंट नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर कॉल्ड, एज दिस नंबर कैन बी वेरी लार्ज यू हैव टू प्रिंट द आंसर मॉड्यूलो 10^9+7। तो आंसर जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसमें मॉड्यूलस का यूज करेंगे, और मॉड्यूलस हमें करना है 10^9+7 से। अगर हमें इतने बड़े नंबर से मॉड्यूलस लेना है तो इसका मतलब कि जो हम एक्चुअल नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी रेंज भी काफी होगी, तो इसको हम सिंपल इंटीजर ना लेके लॉन्ग लॉन्ग लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें फास्ट आंसर जनरेट करने होंगे, इसलिए हम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का यूज करेंगे, और साथ ही साथ हम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में मॉड्यूलस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन करते करते वो नंबर काफी बड़ा हो जाएगा। तो आइए इसको हम कोड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने एक पावर फंक्शन लिखा है अपने से, जो कि बाइनरी और मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमें a^n कैलकुलेट करना है। और a^n कैलकुलेट करने के लिए अगर n की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे 1, अदरवाइज हमने a^n/2 कैलकुलेट किया। अगर n इवन है तो हमने a^n/2 मल्टीप्लाइड विद a^n/2 रिटर्न कर दिया, और अगर n ऑड है तो उस केस में a मल्टीप्लाइड विद a^n/2 इंटू a^n/2 ये हमने रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा पावर फंक्शन है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को, अगर आप इससे फैमिलियर नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए। इसके बाद अब हम सॉल्व जो हमें ऑलरेडी गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, तो इसमें एक ए एरे गिवन है, अगर आप सी में कर रहे हैं प्रोग्रामिंग तो इसको सिंपल एरे मानिएगा, और अगर आप C++ में कर रहे हैं तो ये एक वेक्टर है जिसमें कि हमारे पास नंबर्स हैं, दोनों का मतलब सिंपल एरे है। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें इवन नंबर की काउंटिंग पता करनी है। तो हमने इस एरे को ट्रेवर्स करके जितने भी नंबर्स इवन है उनकी संख्या प्राप्त कर लिया है, उसको काउंट कर लिया है।
So CE is telling us the number of elements which are even. इसके बाद हमारे पास एक आंसर है, इसको हमने लॉन्ग लॉन्ग बनाया, जैसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि चूंकि बहुत बड़ा नंबर हो सकता है इसलिए हमने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया इसको। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे नंबर इवन हो, तो अगर सारे के सारे नंबर इवन नहीं है, मतलब कि कुछ ऑड नंबर्स भी हैं, कुछ इवन नंबर भी इवन नंबर है, तो जो हमारा फार्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि ई फाइंड कर लिया, जो कि 2 raised to the power इवन नंबर्स को डिपेक्ट कर रहा है। हमें फाइंड क्या करना था, अगर हम रिकॉल करें कि 2 raised to the power e मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to the power ऑड माइनस वन, ओ माइनस वन एंड देन माइनस वन, तो ये वाला पार्ट हमारा 2 raised to the power e फाइंड कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो फाइंड कर रहा है 2 raised to the power ऑड माइनस वन। आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स n है, तो अगर आप इसमें से इवन को माइनस कर दीजिए तो ये ऑड नंबर्स हो गए, और हमें एक और माइनस इसमें से करना है, तो एन माइनस सी ई माइनस वन, यही काम हमने यहाँ पे किया है कि 2 raised to the power एन माइनस सी ई माइनस वन कैलकुलेट कर लिया है। फाइनली इस वाले पार्ट को हमने ई कहा है, इस वाले पार्ट को हमने ओ कहा है, तो ई मल्टीप्लाइड विथ ओ माइनस वन। अब ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन ई और ओ जो है वो बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, इसलिए उसको रेंज में लाने के लिए हमने मॉड का यूज किया, या 10 raised to the power 9 plus 7 से मॉड ले लिया, एंड फाइनली यही हमने रिटर्न कर दिया। मान लीजिए कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इवन हैं, तो उस केस में हमें सिंपली कैलकुलेट करना है 2 raised to the power n minus 1। मान लीजिए कि तीनों नंबर 2, 4, 6 हैं, इवन हैं, तो इस केस में हम पावर सेट जब जनरेट करेंगे तो 2 raised to the power 3 होगा, एंड देन माइनस वन करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि टोटल 7 ऐसे सेट्स हैं जो कि इवन सम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये ऑब्वियस है, ये पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए अगर सी ई मतलब काउंट ऑफ इवन इज इक्वल टू एन, तो हमने यहाँ पे जनरेट किया है 2 raised to the power काउंट ऑफ इवन माइनस वन, या 2 raised to the power n minus 1, बोथ विल वर्क। फाइनली हमने आंसर को रिटर्न कर दिया है, तो आइए इसको रन करके देखते हैं। Yes, the sample test case has got passed. And all other test cases have also got passed. So ये problem हमारी chocolate feast है, और ये mathematics section की problem है जो कि combinatorics से relate करता है। तो I hope आप लोगों को इसका solution समझ में आया होगा। Thank you so much for watching. We will meet again with the next concept related to the problem solving.